हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल व्यू की है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल मैंने क्रिएट किया है एसक्यूएल कोडिंग की मदद से। तो ये टेबल कुछ इस तरीके की, तो कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट कराए हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी। अब यहाँ पर एक और क्वेरी हमें बनानी है, और क्वेरी में क्या समझेंगे कि डिलीट है, डिलीट नाम का जो है वो क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ये जो फंक्शन है ये किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा। तो अभी हमारे पास स्कूल एम के नाम से टेबल है और हमें क्या समझना है, डिलीट को। तो डिलीट को समझना बड़ा आसान है, यहाँ पे सीधा सीधा लिख दीजिए डिलीट, ठीक है, डिलीट लिखना है आपको। तो यहाँ पे लिखिएगा DELETE, डिलीट फ्रॉम। अब कहाँ से डिलीट करना है, तो उस टेबल का नाम हमें देना है। तो यहाँ पे स्कूल एम से डिलीट करना है, तो ये हो गया स्कूल और ये हो गया एम, स्कूल एम, डिलीट फ्रॉम स्कूल एम। वेयर यहाँ पे कंडीशन दे देंगे वेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए वेयर में आएंगे, देखिए यहाँ पर जो है ना हमें क्या डिलीट करना है, हमें क्लास को डिलीट करना, स्कॉलर आईडी को डिलीट करना, जो भी डिलीट करना है उसको यहाँ पे दे देना है, ठीक है ना। तो वेयर हम क्या करेंगे, क्लास 11th को डिलीट करना है या फिर स्कॉलर आईडी को डिलीट करना है, तो स्कॉलर आईडी के हिसाब से डिलीट करते हैं, ये यूनिक वैल्यू कंटेन करता है। तो यहाँ पर 8001 स्कॉलर आईडी 8001 को डिलीट करना है, तो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं वेयर स्कॉलर आईडी, ये लिखा स्कॉलर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, ये दे दिया। और क्या स्कॉलर आईडी है, 8001, यही था ना, इसको डिलीट करना चाहते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं 8001 है या नहीं, तो देखिए 8001 है, इसको ही डिलीट कर देना चाहते हैं, बस इतना ही हमारा काम है इस क्वेरी का, बस यहाँ पे टर्मिनेशन दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब क्या करना है, यहाँ से ये जो है क्वेरी जो है इसको रन करवाना है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है ना, यू आर अबाउट टू डिलीट वन रोज, ठीक है ना, किसी भी एक टपल को, किसी भी एक रो को ये डिलीट कर देगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से यस करेंगे ना, तो ये जो स्कॉलर आईडी 8001 है ये डिलीट हो जाएगी टेबल से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यस कर दिया, अब देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ा, वो इफेक्ट हमें पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आएंगे ना, तो अब देखिए यहाँ पर ये डिलीट हो चुके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। तो ये जो है ना डिलीट करने का काम करता है, आप चाहिए माई एसक्यूएल में करिए या फिर यहाँ पर कर लीजिए, दोनों बात एक ही है, समझ रहे बात को। तो थोड़ा सा आपको करने का तरीका अलग होगा, वहां पे कमांड लाइन डॉक्यूमेंट पे जाके करना होगा, यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पे कर ले रहे हैं, तो बात तो एक ही है, काम तो एक ही है इसका। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आया होगा कि डिलीट क्या काम करता है। तो डिलीट है किसी पर्टिकुलर टेबल से कोई अगर टपल या अगर रो डिलीट करनी है, तो वो पूरा रो को डिलीट कर देगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।